जड़ों का जाल प्रस्तावना। इस वीडियो में हम जानेंगे पेड़ों की जड़ों यानी रूट्स के बारे में। जिया अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपनी टेबल पर बैठकर सोच रही है कि वो अब क्या करे। अरे बुबू, मेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई, अब हम क्या करें? तभी जिया को याद आता है कि सुबह की बारिश का शोर अब सुनाई नहीं पड़ रहा है। बुबू, लगता है अब बारिश रुक चुकी है और बारिश के बाद बाहर सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। चलो चलकर खिड़की से देखते हैं। जिया और बोबो खिड़की से बाहर देखते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। बाहर सब कुछ कितना हरा भरा और सुंदर दिख रहा है। लेकिन वो देखो बोबो, मम्मी के मटर के पौधों को सहारा देने वाली डंडियां तो पूरी तरह से उखड़ गई हैं। तभी जिया की मम्मी उसके कमरे में आती है। अरे जिया, इतने ध्यान से बाहर क्या देख रही हो? मम्मी, वो मैं बाहर, आप खुद ही आकर देख लीजिए। क्या है, जरा मैं भी तो देखूं। जिया की मम्मी खिड़की से बाहर देखती है। अरे जिया, ये मटर के पौधे तो पूरी तरह से खराब हो गए हैं, अब सब कुछ फिर से लगाना पड़ेगा। चलो शुक्र है नीम का पेड़ बिल्कुल ठीक है। पर मम्मी, आपके मटर के पौधे तो इस घास से बड़े थे, फिर वो कैसे उखड़ गए? और सारी घास तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें पता है जोरों की बारिश में भी घास क्यों नहीं उखड़ती है? क्योंकि जिया, घास की जड़ें यानी रूट्स बहुत मजबूत होती हैं और इन्हें खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास की जमीन के नीचे की जड़ें ऊपर दिखने वाली घास से कहीं ज्यादा लंबी होती हैं। अब समझी। तो फिर मम्मी, नीम के पेड़ की जड़ें भी बहुत मजबूत होंगी, इतने आंधी तूफान में भी वो नहीं गिरा। हाँ जिया, बिल्कुल। मम्मी, क्या आप अपने पौधों के बारे में सोच रही हैं? हाँ, और ये भी कि अभी कुछ दिनों तक मुझे पौधों में पानी नहीं देना पड़ेगा, उन्हें बारिश का पानी जो मिल गया है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। पर मम्मी, मैंने तो आपको नीम के पेड़ में पानी देते हुए कभी नहीं देखा, तो फिर उसे पानी कहाँ से मिलता है? क्या तुम बता सकते हो कि नीम के पेड़ों को पानी कहाँ से मिलता है? जिया, नीम के पेड़ों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, समय समय पर मिलने वाला बारिश का पानी ही उनके लिए काफी होता है। अरे वाह, तब तो उनका ख्याल रखना आसान है। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या ऐसे और भी पेड़ हैं? क्या तुम कुछ पेड़ों के नाम बता सकते हो जिनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है? हाँ जिया, काफी सारे पेड़ हैं, जैसे बरगद का पेड़ जो नानाजी के घर में भी है। वो पेड़ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मी, और उसमें झूलने में मुझे बहुत मजा आता है। मैं भी बचपन में बिल्कुल ऐसा ही करती थी। क्या आप भी? पर जिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पेड़ की वो लटकन
जिसकी मदद से तुम झूलती थी वो असल में क्या है? जिया बहुत सोचती है पर उसे कुछ याद नहीं आता। मुझे तो नहीं पता मम्मी, क्या है वो? वो बरगद के पेड़ की जड़ें हैं जिया। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। तो क्या दूसरे पेड़ों की तरह उसकी जड़ें जमीन के अंदर नहीं होती? क्या तुमने कभी बरगद का पेड़ देखा है? क्या तुम उस पर झूले हो? क्या तुम बता सकते हो कि बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं या नहीं? बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर भी होते हैं जिया। अरे वाह, ये तो काफी अनोखा पेड़ है मम्मी। और जिया, क्या तुम्हें उन सब्जियों के बारे में पता है जो असल में जड़े हैं? सब्जियां और जड़ें? कौन सी सब्जियां मम्मी? अच्छा जिया, मैं तुम्हें कुछ सब्जियों के नाम बताऊंगी, तुम अंदाजा लगाकर मुझे बताना कि ये जड़े हैं या नहीं। जी मम्मी, लेकिन पहले मैं अपनी नोटबुक में एक तालिका बना लेती हूँ। जिया अपनी कॉपी में कुछ इस प्रकार की तालिका बना लेती है। सब्जी जो जड़ है, सब्जी जो जड़ नहीं है, जैसे ही जिया अपनी तालिका बनाती है तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। जिया, मुझे लगता है ये नाना जी का फोन है, तुम रुको मैं अभी आती हूँ। जिया की मम्मी तो जाकर नाना जी से बात करने लगी। चलो अब तुम जिया की तालिका भरने में उसकी मदद करो। तुम्हें क्या लगता है, बैंगन जड़ है या नहीं? जवाब, बैंगन जड़ नहीं है। फूल गोभी जड़ है या नहीं? जवाब, नहीं, फूल गोभी जड़ नहीं है। क्या गाजर जड़ हो सकता है? जवाब, हाँ, गाजर एक जड़ है। मूली क्या जड़ हो सकती है? जवाब, हाँ, मूली भी एक जड़ है। क्या टमाटर जड़ हो सकता है? जवाब, नहीं, टमाटर जड़ नहीं है। चुकंदर जड़ है या नहीं? जवाब, हाँ, ये एक जड़ है। तुम्हें क्या लगता है, मिर्ची एक जड़ है? जवाब, मिर्ची जड़ नहीं है। मम्मी, मेरी तालिका तो बन गई, ये देखिए। अरे वाजिया, तुम्हारी तालिका तो बहुत अच्छी बनी है। तो क्या अब तुम मेरे साथ चलकर उन पौधों को ठीक करने में मेरी मदद करोगी? हाँ मम्मी, चलो बोबो, हम मम्मी की मदद करते हैं। जिया और बोबो बगीचे की ओर चल देते हैं। सारांश, इस वीडियो में हमने जाना पेड़ों की जड़ों के बारे में।